Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sumit and you are watching my channel Artistic Sumit. So I am back again with my new video. And in today's video, I will show you a normal Apsara Graphite pencil sketch. In this video, I am making it especially for beginners. Because beginners have a lot of doubt that we are using low quality pencils, like Apsara, Doms, or any other low quality brand. उससे रियलिस्टिक फोटो ड्रॉ हो सकता है कि नहीं, सो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. और जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं जो है टॉम्बो ग्राफाइट पेंसिल्स और सकुरा मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ मेरा रियलिस्टिक फोटो ड्रॉ करने के लिए. लेकिन ये वीडियो थोड़ा हटके है, इसीलिए मैं अप्सरा का पेंसिल्स यूज़ करूँगा. और आप लोग को पता होगा कि टॉम्बो का जो है 4H से लेके 6P तक सारा शेड्स मिलता है. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अप्सरा का जो है HB से लेके 12B तक शेड्स मिलता है. और मेरे पास फ़िलहाल अप्सरा का HB, 2B, 4B और 12B ही है. सो मैं यही चारों का यूज़ करके आज जो है फ़ोटो को स्केच करूँगा. और आज स्केच करने के लिए मैंने थैनोस का ये फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, इसी को मैं आज ड्रॉ करूँगा. आप लोग चाहे तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो. ये फ़ोटो का जो लिंक है ये मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना. सो चलिए आज का स्केच को स्टार्ट करते हैं. और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो चलिए आज का स्केच को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं राइट आई को शेड कर रहा हूँ. और राइट आई को शेड करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ. जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लिया है. आप लोग जो सोच रहे हो अप्सरा पेंसिल से रियलिस्टिक फ़ोटो ड्रॉ करने के लिए, आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग भी अपना पेंसिल्स को अच्छे से वेरी फ्रिक्वेंटली शार्प करते रहना, क्योंकि ये सब पेंसिल्स का जो शार्पनेस है ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता है. ये सब डिटेलिंग जो है मैं कंप्लीट HB पेंसिल से ही कर रहा हूँ. कहीं पे प्रेशर का अप्लाई करके हमें डार्क इफेक्ट लाना है और कहीं पे हल्का सा प्रेशर का अप्लाई करके हमें लाइट इफेक्ट लाना है. अभी तक मैंने एक बार भी दूसरा शेड का HB पेंसिल यूज़ नहीं किया है. ये एरिया को मैं कंप्लीट HB पेंसिल से फर्स्ट लेयरिंग दूंगा, उसके बाद डार्क एरियाज़ के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूंगा. ये जगह पे मैं डार्क इफेक्ट लाने के लिए अभी 2B यूज़ कर रहा हूँ. और ध्यान रहे हमें ये काम एकदम पेशेंस के साथ करना होता है. अभी सेम राइट आई की तरह मैं लेफ्ट आई को भी उसी तरह से शेड करूँगा. सबसे पहले HB, उसके बाद थोड़ा डार्क एरियाज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा 2B. ये जो डार्क एरिया आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मैं सबसे पहले 4B उसके बाद 12B से शेड करूँगा.
यहाँ पर आप लोगों को जितना एरिया दिख रहा है यहाँ पर सब जगह पर मैं फर्स्ट लेयरिंग के लिए एच बी का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत और डार्क करने के लिए मैं टू बी का यूज़ कर रहा हूँ। ये एरिया काफ़ी डार्क है इसलिए मैं सबसे पहले 4B उसके बाद 12B यूज़ कर रहा हूँ, और ये पूरा स्केच में मैं ओनली ये एरिया को ब्लेंड कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल मेकअप ब्रश का। ब्लेंड करने से हमारा जो ग्राफाइट है ये काफ़ी फैल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो आप लोगों को मेरा ये स्केच अच्छा लगा होगा, और जो बिगिनर अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया स्केच को करते वक्त। मैंने जो है हार्डली किसी जगह पे 4B और 12B का यूज़ किया है, मैंने ऑलमोस्ट 90% एरियाज़ में HB और 2B से ही शेड किया है, और जो ये स्केच आप लोग को दिख रहा है इसका जो एकदम सा डार्क एरियाज़ है वहीं पर मैंने ब्लेंड किया है, और बाकी का जितना भी एरिया है वहाँ पर मैंने एकदम ब्लेंड नहीं किया है। और ये स्केच को मैंने आर्टो का 180 GSM में स्केच किया है, आर्टो का जो शीट है वो काफ़ी अच्छा है। सो यही कहना था मुझे, होप सो आप लोगों को ये स्केच अच्छा लगा होगा। अगर स्केच अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई कमेंट फीडबैक और सजेशंस वगैरह है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID, आप लोग चाहे तो मुझे इसमें फॉलो कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल देन
कीप प्रैक्टिसिंग। मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नया और फ्रेश वीडियो में।